ने जो आचरण प्रस्तुत किया उसके आप लोग भी साक्षी हैं। कार्य मंत्रणाम की बैठक में जब यह तय हो गया था कि सुखाड़ पर चर्चा होगी तो विपक्ष के सुखाड़ के पर चर्चा से भागने के कोई कारण नहीं थे। आज विपक्ष ने जिस तरीके से प्रश्नकाल को बाधित किया उसके वजह से विपक्ष सदन का कामकाज प्रभावित हुआ, और सदन का कामकाज प्रभावित होना, लोकतंत्र में विपक्ष अगर अपनी किसी बात को सरकार से मनवाना चाहता है तो उनके पास पूरे अधिकार हैं कि वो सदन को मुखातिब होकर अपनी बातों को रखे। लेकिन इसमें मेरा एक शब्द जरूर गौर कीजिएगा, सदन को मुखातिब होकर वो अपनी बातों को रखने के हकदार हैं। सदन की आसन की अवहेलना करते हुए उसके तरफ पीठ दिखाकर या अनर्गल नारे लगाकर सदन की कार्रवाई को अगर बाधित करते हैं तो निश्चित रूप से सदन के पास ये विधायी शक्तियां हैं कि वो नियमन देता है, और सदन के आसन के नियमन से बाहर कोई भी नहीं है, और आसन ने जो नियमन दिया है मेरे समझ से सदन को सुचारू रूप से चलाने का नियमन था। और इसमें कम से कम आज बजट ले हुआ, अनुपूरक बजट पर एक सार्थक चर्चा हुई, और सरकार ने भी यह माना कि अनावृष्टि से जूझते किसानों के सवाल पर सरकार गहन चर्चा करके उनके लिए एक बेहतर निर्णय लेकर आए। तो कह रहे कि ये तो पुरानी परंपरा है, आप भी तो यही करते थे। बीजेपी के तमाम विधायकों ने पीठ दिखाया, फिर सबको निलंबन करना चाहिए। निश्चित रूप से यदि सीपी सिंह जैसे वरिष्ठ साथी अपने किसी साथी के कुकृत्य को दोहरा कर ये साबित करना चाहते हैं कि वो सही है तो ये बड़ा शर्मनाक है। मैं ये कहता हूँ कि सीपी सिंह जी ऑनरेबल स्पीकर रह चुके हैं और सदन में उस स्तर के उतने वरिष्ठ साथी को निश्चित रूप से वो आचरण प्रस्तुत करना चाहिए कि हमारे जैसे नए लोग संसदीय परंपराओं को सीख सकें, समझ सकें। लेकिन जब ये दिखता है कि वैसे ही लोग संसदीय परंपराओं को तोड़ने और मरोड़ने में लगे हुए हैं तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं झारखंड में लोकतंत्र की परंपरा को ध्वस्त करने की भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जेपी पटेल का कहना वीडियो मंगा के देख लिया जाए, मैं था भी नहीं सदन में और सस्पेंड कर दिया गया, उनको जेपी फोबिया हो गया, क्योंकि मैं जेएनएम से बीजेपी में आया इसलिए हर बात पे पिछले बार कतई नहीं। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि हमारे सम्मानित सदस्य अमर बावरी ने आसन पर क्या आरोप लगाए थे, क्या आसन जाति धर्म देख कर किसी को बोलने का मौका देता है। और हम तो ये मानते हैं अगर देश की संसद में चल रहे प्रक्रियाओं को हम लोग देखें और वहाँ के तौर तरीकों को देखें तो हम तो ये मानते हैं कि झारखंड में बहुत बेहतर है। वहाँ तो महंगाई के ऊपर चर्चा और सवाल करने के मुद्दे पर सदन से निलंबित किए जा रहे हैं सांसद, यहाँ तो हंगामा खड़ा करने पर नहीं हो रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज की तरह यहाँ भी पहुँच गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा होता तो आप ही के प्रश्न का वो उत्तर है कि बाकी जो सदस्य पीट कर खड़े थे वो भी निलंबित हो जाते। लेकिन आसन ने, सदन के अध्यक्ष ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस सदन को चलाए रखने की परंपरा का निर्वहन किया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम हिनू एवं नगर टोली रांची। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in